हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आज आपके लिए कुछ ऐसी एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। आज थोड़ा सा देखना, अगर आपसे रिलेट हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा नेगेटिव और थोड़ा सा इस टाइम कहूँ तो डिटैचमेंट कह लो, सप्रेशन कह लो, तो डिवाइन इंटरवेंशन कह लो, कोई भी चीज़ कह सकते हो, वो आपके बीच में करवाया गया है। डिवाइन प्लेन न प्लान है, और मैंने कल भी आपको अलर्ट किया था, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे डिटैच होती हुई नज़र आएंगी, लेकिन उनके पीछे का रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है। कल ही आपको मैंने अलर्ट दे दिया था, तो आज वो क्रिएशन स्टार्ट हो चुकी है, हो रहा है आपके लैब में, कुछ दिन पहले से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो देख लेना, ये सारा यूनिवर्स ऑर्डर है जो सबको एक्सेप्ट करना है। इस टाइम तो बहुत बुरा हाल मैं कह सकती हूँ, डीएफ दोनों का ही हाल कहूँगी मैं, एक का नहीं कहूँगी कि यहाँ पे खाली डीएफ ही परेशान है, नहीं, यहाँ डीएम भी परेशान है। डीएम परेशान है अपने कुछ कार्मिक लोगों के साथ किए हुए कमिटमेंट को लेके, और कुछ अपनी डीएफ को लेके भी कमिटमेंट। ठीक है, क्योंकि डीएफ कमिटमेंट मांग रही है, डीएफ को कमिटमेंट देने के बावजूद भी जो पलड़ा भारी होता हुआ नज़र आ रहा है वो है कार्मिक लोगों का। कार्मिक लोग नहीं चाहते हैं कि वो अपनी डीएफ को चूज़ करें या अपनी जर्नी की तरफ आगे बढ़ें, वो वहाँ पे इन्हें स्टॉप करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे स्टोरी को समझना है कि डिवाइन कैसे यहाँ पे स्टोरी क्रिएट कर रहा है। तो जो भी कार्मिक लोग अपने आपके डीएम को या डीएफ जो भी देख लेना अपने हिसाब से, उनको रोक रहा है अपनी डीएफ डीएम के पास जाने से, तो यहाँ पे एक ऐसी क्रिएशन हुई है कि ये डिवाइन इंटरवेंशन ही है, डिवाइन की तरफ से ही कार्मिक लोगों के से ही ये सब चीज़ें करवाई जा रही हैं, ताकि उनके कार्मिक रिलीज हों, कर्मा रिलीज हों, और साथ में उनके जो फेस हैं, ठीक है, वो जहाँ जहाँ कमिटेड थे, कि इनके साथ भी पेरेंट्स हैं या वाइफ हैं या कोई भी था, तो उनके रियल फेस उनके सामने आने बाकी थे, वो उनको सामने लेके आएंगे डिवाइन, और इसीलिए उन्हें पता लग जाएगा कि एक रियल मदर और रियल डीएफ में क्या फ़र्क होता है। ये सब एक क्रिएशन की गई है, क्योंकि आपके जो डीएम हैं वो अभी तक अपने कार्मिक लोगों के लिए ही प्रायोरिटी रखते हैं, उन्हीं को सब कुछ उन्हीं के लिए करते हैं 3D वर्ल्ड में रह के। लेकिन जब आपके पार्टनर को 5D लेवल पे अपने डीएफ के साथ रहना होता है, तो वो वहाँ से डीएफ जो उनके लिए करती है, एक सेक्रीफाइस करती है, अपने लाभ को दाव पे लगा के अपने डीएम के लिए आगे बढ़ती है, वो चीज़ उनके सामने, डीएम के सामने वो जो चीज़ें, जो वैल्यू आप लोगों की करवानी है या दिखाया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, तो इन दोनों के बीच में डीएम और कार्मिक लोगों के बीच में, समझ लो कि डीएफ और कार्मिक लोगों के बीच में जो कंपैरिजन किया गया है डिवाइन की तरफ से, इन दोनों को इस लेवल पे पूछा है कि डीएम अब बीच में मझधार में फंसे हुए हैं, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है या निभानी है पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, और एक डीएम को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है डीएफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि कार्मिक लोगों को तो डीएम देते ही देते हैं। ठीक है, अगर डीएफ सपोर्ट करती है तो भी, चाहे लव दे रही हो तो भी, हर चीज़ें जो भी डीएफ की तरफ से दी जाएंगी वो थर्ड पार्टी खुद दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डीएफ हो जाती है खाली, जो वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके या स्ट्रगल करके इतना कुछ एनर्जी अपडेट देती है, लेकिन वो एनर्जी कहाँ जाती है, थर्ड पार्टी में। तो इस तरीके से जो अपडेट चल रही थी, तो डिवाइन ने ऐसा इंटरवेंशन ला दिया है कि अब यहाँ से डीएफ जो है मूव ऑन करती हुई नज़र आ रही है, कि अब लोग आप क्या करोगे। ठीक है, अगर आपकी खुशी ऐसे ही है, ऐसे ही चलने वाला है, तो मैं आपके सपोर्ट में नहीं जाने वाली, मैं आपको एनर्जी नहीं देने वाली, आप चाहें तो अपने कार्मिक लोगों के साथ जा सकते हो। इस तरीके का जो एक डिसीज़न डीएफ की तरफ से एक्शन लिया गया है, तो इसी मज़ार में फंस चुके हैं डीएम, ना तो वो अपने डीएफ को छोड़ पा रहे हैं, ना तो वो कार्मिक लोगों के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ पा रहे हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पे बड़ा सिनेरियो अटपटा सा है, जिसको समझना बड़ा मुश्किल है इस टाइम। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो सारा फोकस जो डीएम का है वो अपनी डीएफ की तरफ ही है, एक्शन लेना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करें, तो आप सोचता है कि आपके हेडेक हो आज सारा दिन, और थोड़ा सा आपके बॉडी में भी पेन हो रहा हो, कभी आपके रूट चक्रा पे, कभी हैंड में, कभी शोल्डर, ये सब चीज़ें आपके पूरी बॉडी में जो पेन है वो भाग रही है, कभी कहाँ पेन हो जाता है अचानक से, कभी कहाँ हो जाता है, क्योंकि ये क्रिएशन ही ऐसी कि वो जो और सबकी जलन जरूर फील हो रही होगी, आपके हार्ट में कह लो या आपके स्टमक में कह लो, यहाँ आपको और क्राइंग एनर्जी को, पर्जिंग को बहुत ज़बरदस्त चीज़ में हो सकती है या हो रही होगी, क्योंकि ये दोनों तरफ की एनर्जी है, ये डीएफडीएम दोनों की आज म्यूचुअल
एनर्जी हो सकती है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि यह बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हुई है, बार बार क्राइंग एनर्जी आपको फील हो रही होगी, और ये डिवाइन ऑर्डर है, डिवाइन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर को आप पे आना है। सेपरेशन अगर हुआ है तो उसको एंड करके आप विश फुलमेंट कम्प्लीट करनी है, और होप रख के बैठे हैं कि नहीं नहीं मैं सब ठीक कर लूँगा, कंट्रोल कर लूँगा, क्योंकि जो मेन जिसको ठीक करना है वो डीएम ही है, ठीक है। इन्हीं को सब कुछ संभालना पड़ेगा, चाहे 5D लेवल की कहो या 3D लेवल पे कहो, तो दोनों को बैलेंस करना इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो अभी फ़िलहाल की बात कहूँ तो मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकती है, हर चक्र आपका इफ़ेक्ट हो सकता है, क्राइंग एनर्जी, क्लिनजिंग कह लो हर चक्र की, सैक्रल की और रूट की भी कह सकते हो, क्योंकि बैलेंसिंग चल रही है तो कुछ भी कह सकते हो। लेकिन आज थोड़ा सा सिनेरियो आज क्राइंग और पर्जिंग वाला रहेगा, जिसमें आप सब हो सकता है बहुत सारे DFDM आज परेशान हो रहे होंगे, ठीक है। तो परेशान मत होना, यहाँ पे स्ट्रेंथ गेन करो, सोलर प्लेक्सस पे थोड़ा सा काम कर लो, और नहीं तो आप डिवाइन को सरेंडर करो अगर कुछ नहीं कर सकते तो, क्योंकि आज हो सकता है कि आपकी बॉडी ही आपका साथ ना दे। तो थोड़ा सा डिवाइन को सरेंडर करके और पॉजिटिव माइंडसेट रखिएगा, सब आंसर रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अभी टाइम ऐसा है कि अभी संभलते नहीं संभल रहा, ये वक्त ही ऐसा है। तो सब प्लीज़ अपना केयर कीजिए, जिनको भी जो हो तो अपना ग्राउंडिंग कीजिए और पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है जी। तो अब तक की थी करंट एनर्जी, मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।